हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है भाई लोग। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों दुआओं में। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया आईफोन के लिए दो ट्रिक्स। आपका जो आईफोन है वो आप कैसे एक एंड्रॉइड जैसा कर सकता है। आपका आईफोन अभी iOS है, उसके बाद जब मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो करेगा, उसके बाद आप आईफोन जैसे सैमसंग जैसा होम स्क्रीन हो जाएगा, एप्स वगैरह सब ऐसे दिखाएगा। और दूसरी नंबर जो ट्रिक्स है, जो यूट्यूब का वीडियो है वो कैसे डाउनलोड कर सकता है मोबाइल पे आपका आईफोन में। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो देखते रहिए। मैं बात कर रहा हूँ रूबेल, आप देख रहे हैं वीटेक सपोर्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वो लोग को दिल से धन्यवाद है। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल का जब भी कोई वीडियो एक बार होता तो प्ले करके देखना, तो आप लोग को ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो आप जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सफारी ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद इधर आपको लिखना है iTest.nz। ओके, ये लिख के सर्च करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देख सकता है। ओके, ये बोल रहा है नीचे की तरफ एक बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर से आपको ऐड टू होम स्क्रीन, इसको पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर से ऐड करना है। तो हमारा काम हो गया। अब ये सैमसंग iTest ये ऐसा एक ऐप जैसा दिखेगा आपको, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, लेट्स गो, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो आपका अभी ये सैमसंग जैसा हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये आईफोन है। ये मैसेज पे जाता है, ये भी सैमसंग जैसा हो गया। गैलरी पे जाता है, ये भी सैमसंग जैसा हो गया। कॉल पे जाता है तो ये भी सैमसंग जैसा लग रहा है। ये नीचे की तरफ आपको तीन बटन देखने को मिल रहा है। आपको ये कैंसिल करना है तो कैसे करना है, आपको जाना है ये नोटिफिकेशन में जाना है। उसके बाद इधर जाना है, ऊपर क्लिक करेगा तो आपका वो सिम पहले की तरह हो जाएगा आईफोन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। सेकंड जो टिप्स है, कैसे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है। जैसे कोई भी गाना आपको डाउनलोड करना है तो इधर इसको ओपन करना है। उसके बाद इधर नीचे की तरफ आपको शेयर बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कॉपी लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इधर का काम हो गया। आपको फिर क्या करना है, सफारी ब्राउजर ओपन करना है। इधर आपको लिखना है y2mate.com, तो लिख के सर्च करना है। उसके बाद आपको इधर आपका लिंक डालना है, फिर आप नीचे की तरफ नीचे जाएगा तो पूरा आप कौन सी रेजोल्यूशन का कौन सी फाइल है, कितने MB है, कैसे, बस पूरा दिखाएगा। इधर फुल HD है। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बता इधर आपको डाउनलोड लिखाएगा, इसके ऊपर फिर क्लिक करना है, फिर इधर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन करना है। इधर आपको शेयर बटन देखने को मिल जाएगा, फिर उधर से सेव वीडियो, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको गैलरी में आ जाएगा।